सीन्स कुछ ऐसे हैं। तो अभी हम जाएंगे मज़ार पर, तो आगे के सीन्स चेक करिएगा। अभी हमें ट्रक को रेडी करना है, सामान रखना है, लंगर वगैरह। जाएंगे वहाँ पे तो सीन्स चेक करिएगा। चलिए मिलते हैं वहाँ पे। दोस्तों क्या ही मज़ा आता है जब कभी दोस्तों के साथ जाना हो कहीं लंबे सफ़र पर। तो वीडियो को एंड तक देख, सिर्फ 9 मिनट की वीडियो है। कराची के बाहर जाना और हम दोस्तों के साथ जाना है और कज़न वगैरह के साथ मज़ार पर। और ये देखें अन्नी दयाए कोई मज़ा आ गई, तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों हम अभी जाएंगे जलाल शाह बुखारी की मज़ार पर। ये कराची के गेट के उस पार है, हम तो कराची के गेट बोलते हैं। आप जो तकरीबन हमें 2-2.5 घंटे लग जाते हैं कराची के गेट पर पहुंचते पहुंचते। तो इसके बाद हम जैसे ही कराची के बाहर निकलते हैं तो 15-20 मिनट का मतलब रास्ता है। उल्टे हाथ पे ये मज़ार आपको दिख जाएगी। ये मज़ार मतलब इसका नाम है हज़रत जलाल शाह बुखारी, हज़रत जलाल शाह बाबा भी इसे कहते हैं। तो हम मतलब हर साल जाते हैं, मेरे चाचू वालिद साहब वगैरह मतलब इकट्ठे होकर बकरे और तेव वगैरह लेके जाते हैं वहाँ पे, पकाते हैं मतलब अपने हाथों से पकाते हैं। रोटी हम यहीं से लेके जाते हैं पकी पकाई हुई, तो मतलब वहाँ पे जाते हैं, लंगर तैयार होता है। ये सुबह जल्दी निकल जाते हैं हम, मतलब 10 बजे निकलते हैं ट्रक लेके। तो मतलब इंजॉय करिए आगे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए वहाँ पे। तो मेरे दोस्त वगैरह नीचे उधर के हमने मतलब मज़ार पे हाज़िरी दी। इसके बाद दुआ वगैरह सबने मांगी और लंगर का मतलब इंतज़ाम जो था वो शुरू कर दिया गया। तेरे करने में समझ आई। तो लंगर वगैरह बांट कर हम खुद भी बैठ गए खाने को अपने दोस्तों के साथ। करना
दोस्तों आपने मेरी एक बार नोटिस करी होगी कि मैं खाने पीने में शर्म नहीं करता। हमारे लोग सारे जैसे मम्मी डैडी वाले लोग शर्म करते हैं, तो हम खुल के खाते हैं, कोई शर्म वगैरह नहीं करते, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। जब हम पहले आया करते थे मतलब ट्रक पे, ट्रकों पर, ये भी ये हमारा ट्रक है, हम इसी पर आए हैं। तो हम पहले आया करते थे, मतलब कोई नहीं था यहाँ पे, मतलब हमारे दादा पहले आया करते थे, इसके बाद हमारे चाचू, तकरीबन बहुत अरसा होने वाला है। हम हर साल सेकेंड ईद को मतलब आते हैं, दूसरी ईद को। हम बहुत अच्छा लगा, हम फकीर पे लंगर भी खाया, बहुत अच्छा निजाम था, चूड़ियाँ भी कुटी और खाई भी। ट्रक पर गर्मी बहुत थी तो मैं उसी पे चढ़ गया, तो मतलब वो थोड़ा लेट आए, हम जल्दी पहुंच गए घर पे। हमें तकरीबन यहाँ पे 2:50 पर पहुंच गए इलाके में, तो वो मेरे ख्याल से 4 आए थे यहाँ पे। तो दोस्तों ये देखें बैरियर टाउन, तो मतलब बैरियर टाउन के 10-15 पहले ही ये मज़ार आती है। बैरियर टाउन बनाया यार मलक रियाज ने, VIP। यहाँ पे पहले मतलब सारी जगह बंजर थी। तो दोस्तों ये पहले हज़ारों की जगह थी, अभी ये करोड़ों की जगह है। दुबई से कम नहीं बनाया गया है इसको, बहुत अच्छे से काम किया गया है बैरियर टाउन का VIP। दोस्तों इसके बाद हम वापस गए घर को, तो हम मतलब 2:30 पहुंच गए और इसके बाद आराम करा। बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी कि मैं आपको बता नहीं सकता। रूमाल हम गीले कर कर के गए तो मतलब तभी पहुंच सके, वरना तो इतनी गर्मी थी कि प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कम से कम पानी तो रखो, और लड़ू खेत भी वैसे गाड़ो गड़ी दे। हाँ